मैं अनिल पांडे, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनासोनिक के पीस में हम यूनिवर्सल कार्ड कैसे सेट करेंगे, क्योंकि पैनासोनिक के एलसीडी में होता क्या है कि जो उसका टिकोन बोर्ड है वो मदरबोर्ड में ही दिया रहता है, और मदरबोर्ड से सीधे एक बेल्ट जाता है स्केलर पीसीबी में, और बीच में कहीं टिकोन नहीं होता है। और जब टिकोन बोर्ड मदरबोर्ड में ही दिया रहता है और मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि कैसे इसमें हम दूसरा यूनिवर्सल कार्ड डालें। तो इसका सॉल्यूशन आज मेरे पास है और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का सॉल्यूशन क्या है। ये एक टिकोन बोर्ड है जो बाज़ार में अभी अवेलेबल है। ये टिकोन बोर्ड आप बाज़ार से ले करके यहाँ लगा सकते हैं। जो स्केलर से ये बेल्ट यहाँ लगेगा और ये टिकोन बोर्ड में फिर आगे आप चाहे यहाँ स्मार्ट कार्ड लगाएं, चाहे ये यूनिवर्सल कार्ड लगाएं, कोई भी कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन ये टिकोन बोर्ड लेना है। मतलब ये टिकोन बोर्ड बहुत ही यूनिक आया है। जो पैनासोनिक का ओरिजिनल बोर्ड होता है, ये बेल्ट सीधे यहाँ मदरबोर्ड में जाता है, और इसका जो टिकोन बोर्ड सेक्शन होता है वह पूरा मदरबोर्ड में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये टिकोन सेक्शन अलग कर दिया गया है। ये टिकोन लगा करके किसी भी पैनासोनिक के सेट में जो टिकोन बोर्ड मदरबोर्ड में दिया रहता है, उस इसको लगा करके सेट को चालू कर सकते हैं। और अब दूसरी बात आती है कि यहाँ से करंट देना। पैनासोनिक के सेट में देखा जाता है 15 वोल्ट या 16 वोल्ट यहाँ से रिलीज होता है सप्लाई के लिए, और बहुत सारे लोग हमको मेल करते हैं, पूछते हैं कि क्या सर हम उसको डायरेक्ट 13 वोल्ट या 14 वोल्ट निकल रहा है तो हम क्या दे सकते हैं उसे? बिल्कुल नहीं दे सकते। दो कंडीशन है उसकी। यदि सामने पैनल 12 वोल्ट की है तो आप बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं, और अगर वो पैनल 5 वोल्ट की है तो आप 12 वोल्ट की जगह पे अगर 13 वोल्ट देते हैं तो भी चलेगा, 14 वोल्ट देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन सामने पैनल 5 वोल्ट की है तो। और अगर पैनल 12 वोल्ट की है तो आप नहीं दे सकते। उसका कारण ये है कि जब यहाँ से आप 13 वोल्ट या 14 वोल्ट देंगे तो जब सेट ऑन होगा तो अगर ये जम्पर सेलेक्शन 5 वोल्ट पे रहेगा तो 13 वोल्ट को भी वो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके ही पैनल को रिलीज करेगा, लेकिन यदि वह 13 वोल्ट पे आप 12 वोल्ट पे इसको रखेंगे तो सीधे जो आप इनपुट दे रहे हैं वही वो रिलीज कर देगा पैनल के लिए, तो आगे पैनल डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए 12 वोल्ट की पैनल है तो आप उसमें 13 वोल्ट नहीं दे सकते, लेकिन अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो डेफिनेटली आप 13 वोल्ट देंगे तो भी वो रेगुलेट होकर के 5 वोल्ट ही जाएगा। और इसके लिए ये जो सप्लाई बोर्ड मैंने लगाया है, ये देखिए ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ हम 13 वोल्ट जा रहा है, अगर मैं मीटर से मेजर करके बताऊँगा, ये आप मीटर पर दिखाएँ कैमरा, ये आप देख सकते हैं यहाँ 16 वोल्ट जा रहा है, 16.65। अगर 16.65 जा रहा है तो ये रेगुलेटर सर्किट जो है इससे हमने आउटपुट लिया 12 वोल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट में 12 वोल्ट की जगह पे 11 वोल्ट ही जा रहा है। 11 वोल्ट हमने कार्ड को दिया, अब कार्ड 11 वोल्ट पे ऑन हो रहा है, और ये बीच में ये रेगुलेटर सर्किट लगाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हम जितना वोल्ट चाहेंगे, यहाँ प्रीसेट दिया हुआ है, इसको हम अलाइनमेंट करके सेट कर सकते हैं और जितना वोल्ट चाहेंगे उतना वोल्ट हमको मिलेगा। और बैक लाइट के लिए कि हमको ये जो BL ऑन सिग्नल है, ये BL ऑन सिग्नल है, ये सिग्नल हम BL ऑन पे कनेक्ट करेंगे तो बैक लाइट जल जाएगा। मैंने क्या किया है कि अभी BL ऑन का सिग्नल नहीं लगाया है, मैं उसको आपको जला कर दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए ये अब हम इसको आपको लगा कर दिखाता हूँ। सेट को हमने ऑन किया, देख सकते हैं आप पैनल चालू हो जा रही है, लेकिन क्या है कि BL ऑन का जो कनेक्शन है अच्छी तरह से हुआ नहीं है, इसलिए वो बंद चालू हो रहा है। तो इस तरह से आप इसमें किसी भी पैनासोनिक सेट में आप ये टिकोन लगा करके यूनिवर्सल बोर्ड डाल सकते हैं।
ये रहा आज का हमारा वीडियो। ये इस तरह के सेट बहुत सारे लोगों के पास पड़े हुए हैं और इसका सॉल्यूशन नहीं था, इसके लिए बहुत सारे लोगों के पास इसका सेट पड़ा हुआ है। अभी ऐसा नहीं है, अभी इसका सॉल्यूशन बाज़ार में आ गया है। आप बड़े ही आसानी से इसको टिकोन बोर्ड लगा करके और सामने कोई भी बोर्ड आप फिट कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं इस बार भी बताना चाहूँगा कि मैंने एक बुक रिलीज करी है, हार्ली LCD LED रिपेयरिंग बुक। वो देखिए इस तरह से है और इसमें ये पूरा हिंदी में है और सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है, कैसे कैसे क्या है। इसमें LCD LED समस्या निवारण चार्ट है, उसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेक करना है वो आप कर सकते हैं। पैनल के वोल्टेज मिसिंग होने से आने वाली समस्याएं, उसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है स्केलर बोर्ड अथवा टिकोन बोर्ड में आने वाले वोल्टेज कौन कौन से हैं, यहाँ स्केलर बोर्ड का नंबर दिया है और उसके नीचे आने वाले जो वोल्टेज है उसकी डिटेल दी गई है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स इसमें दी गई है और हिंदी में है। यहाँ फॉल्ट और सॉल्यूशन दिया गया है और इस तरह की ये 136 पेज की बुक है और हम ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर रहे हैं इसे। जिसको भी लेना हो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसमें कॉल करके मंगवा सकते हैं। मंगवाने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो होता है VPP, जो VPP से मंगवाते हैं उनको हम VPP से कर देते हैं। VPP लिखा रहेगा, यहाँ पोस्टमैन लेकर के जाएगा और उसको आपको पेमेंट देना होगा, तब पोस्टमैन आपको बुक देगा। और दूसरा है ये कैशबैक, अगर आप मेरे अकाउंट में या मेरे पेटीएम में पेमेंट डिपॉजिट करा करके उसकी रिसिप्ट भेजते हैं तो हम आपको आपके एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। ये है तरीका मेरे बुक का मंगाने का। और दूसरी बात, अगर आपके वहाँ अमेजोन की सुविधा हो तो आप डायरेक्ट अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ली LCD LED रिपेयरिंग बुक का नाम है और अमेजोन पे सर्च करना है आपको LCD रिपेयरिंग बुक इन हिंदी, LCD रिपेयरिंग बुक इन हिंदी। आप अमेजोन पे सर्च करेंगे तो मेरी बुक आपको शो करने लगेगा अमेजोन के पॉपअप में और आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इस तरह के टेक न्यूज़। थैंक यू वेरी